वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। मैं हूं अभिषेक और आपको अपने चैनल अभिषेक विजन एड्स विद अ मस्त तरीके स्वागत करना है दोस्तों। सो गाइस, आज मैं बनाने वाला हूं मेरी मम्मी का स्केच, क्योंकि आज है उनका बर्थडे। तो गाइस, क्या आप लोग उनका स्केच देखने के लिए तैयार है? दोस्तों एकदम जबरदस्त बनने वाला है। तो गाइस, क्या आप लोग तैयार है? सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस, मैं आ चुका हूं अपनी टेबल पर और मैंने ले ली है ये अपनी ड्राइंग की एक शीट, और इसी शीट पर मैं बनाने वाला हूं अपनी मम्मी का स्केच। तो दोस्तों, मैंने आउटलाइन पहले बना दी थी, तो वो देखो दोस्तों कितनी मस्त लग रही है ना, कितनी सारी डिटेलिंग है इसके अंदर। तो दोस्तों, मैं बताता हूं कि ये डिटेलिंग की लाइनिंग मैंने किससे बनाई। ये मैंने बनाई थी दोस्तों मेरी 4H वाली पेंसिल से। ये 4H वाली पेंसिल इसलिए यूज़ करता हूं क्योंकि इससे लाइनिंग अगर आप करोगे तो वो ज़्यादा डार्क नहीं होती है और वो बाद में मिट भी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं अपनी ये दूसरी पेंसिल ले लेता हूँ, और ये वाली शायद से 2B की पेंसिल है दोस्तों। अरे यार, ये मैं कैसे भूल गया। अरे यार, रुमाल बाबुआ को तो बुलाओ। रुमाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, रुमाल यानी कि हमारा हैंकर चीफ। तो दोस्तों, वो हमारे चीफ बाबुआ हैं, अगर उनको नहीं लगाया तो हमारे हाथों की गंदगी हमारे स्केच पर लग जाएगी। तो दोस्तों, इसलिए मैं अपने हैंकी को बहुत ज़रूरी रखता हूँ अपने पास, ताकि वो हैंकी मैं अपने हाथों के नीचे रख दूँ, और फिर उसके बाद मेरे स्केच पर अगर मेरे हाथों पर ग्रेफाइट लगा हुआ है तो वो मेरे स्केच पर ना लगे और मेरा स्केच ना बिगड़े। तो दोस्तों, ये सारी बातें तो चलती रहेगी। देखो यार दोस्तों, मैंने अपने स्केच में मम्मी की थोड़ी आंखें बना दी है, थोड़ी नाक पे थोड़ी सी शेडिंग टाइप दे दिया है। अब मैं इनके थोड़े से बालों पे कवर कर देता हूँ अपनी पेंसिल से, हल्की हल्की लाइनिंग कर देता हूँ दोस्तों। सो गाइस, देखो यार, आप लोग थोड़ा सा शेप ले रहा है ये वाला स्केच दोस्तों। यार ये अब मैं थोड़े से डार्क कर दिए थे बाल दोस्तों वीडियो को स्टॉप करके, तो यार दोस्तों अब बाल लग रहे हैं ना एकदम ही ज़बरदस्त। तो गाइस, अब मैं क्या काम करता हूँ, अब थोड़ा सा यहाँ पर जो नेक वाले पोर्शन में थोड़ा सा है ना शेडिंग, वहाँ पे काम करता हूँ दोस्तों। तो उससे क्या है, थोड़ा सा हमारा जो फेस है वो अच्छी तरीके से नज़र आएगा दोस्तों। हाँ, अब थोड़ा सा लग रहा है ना फेस की शेप थोड़ी, अब आप लोगों को अच्छी तरीके से नज़र आ रही होगी दोस्तों। तो गाइस, अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मैं ले लेता हूँ ये इरेज़र, क्योंकि यार ये वाला जो पोर्शन था ये वाला थोड़ा सा नीचे है और मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दिया था, तो यार वो थोड़ा इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब देखते हैं, हाँ अब लग रहा है ना एकदम ही झक्कास टाइप का। तो गाइस, अब मैं काम करता हूँ थोड़ा सा लिपसिंग के ऊपर। तो अब लिपसिंग जब तक नहीं बनती है थोड़ा सा अजीब सा चेहरा लगता है। अब लग रहा है थोड़ा सिमिलर टाइप का चेहरा, अभी भी नहीं लग रहा क्योंकि अभी मैंने इसमें शेडिंग नहीं करी है ना दोस्तों। तो शेडिंग के लिए मैं ये ले लेता हूँ अपनी ये जो कॉटन बड है वो ले लेता हूँ, और उसी से मैं थोड़ी सी इसके ऊपर शेडिंग मतलब कि ब्लेंडिंग टाइप दोस्तों वो कर देता हूँ। तो उससे क्या है, हमारे जो शेडो है या तो फिर डार्क पोर्शन है, लाइट पोर्शन है, वो हमें पता चल जाएगा दोस्तों। हाँ देखा दोस्तों, अब आप लोग को पता चल रहा है ना कि कहाँ पर थोड़ा सा शेडो है कहाँ पर नहीं है। तो अब इससे एकदम ही ज़बरदस्त तरीके से लग रहा है फेस। तो गाइस, अब मैं आगे काम करता हूँ। अब आगे काम करने के लिए मैं अपनी दूसरी पेंसिल ले लेता हूँ यार दोस्तों। अब ये वाला जो काम है ना दोस्तों, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी वाला काम है, क्योंकि अब मैं इनकी जो मतलब मेरी मम्मी ने थोड़ा सा एक वो चूंदड़ी आती है वो पहनी हुई थी, तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, पीलिया बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो आप लोग की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मतलब राजस्थान साइड में जो होते हैं ना वो लोग यही बोलते हैं, राजस्थान हरियाणा फिर उसके बाद पंजाब में तो पता नहीं, लेकिन राजस्थान हरियाणा में तो वही चलता है। तो वो जैसे कि कुछ भी फंक्शन हुआ तो उस समय वो पहनते हैं, जैसे कि कोई भी करवा चौथ का व्रत हुआ या तो फिर किसी के लगन, लगन में तो नहीं मतलब कि मतलब एक को इतना नहीं पता यार, मतलब इतना ही पता था कि करवा चौथ का, क्योंकि ये करवा चौथ की फ़ोटो है। सो गाइस, तो वही अब मैं उसको बना देता हूँ। उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग करी थी यार दोस्तों, क्योंकि उसमें क्या है बहुत ही ज़्यादा बीड्स जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा लगे होते हैं, तो वो डिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है दोस्तों। तो गाइस, अब मैं थोड़ा सा इसके मम्मी के हाथों के ऊपर थोड़ा सा काम कर दिया था मैंने दोस्तों, जो और फिर अब इनके जो हाथ है उसके ऊपर थोड़ी सी शेडिंग कर देता हूँ, मतलब कि शेडिंग नहीं मतलब थोड़ी सी ब्लेंडिंग कर देता हूँ अपने इसी कॉटन बर्ड से। तो गाइस, हाथ एकदम ही स्मूथ जैसे तो लग रहे हैं, अब एकदम ही बढ़िया हो गया यार। अब मैं क्या काम करूँ, हाँ अब एक काम करता हूँ, दूसरी साइड करता हूँ यही काम जो मैंने इस साइड करा ना, जो इसकी थोड़ी सी छोटी छोटी सी मोतियाँ हैं वो अब मैं दूसरी साइड भी बना देता हूँ यार दोस्तों, ताकि आप लोग को सही ढंग से नज़र आए। यार मेरी पेंसिल थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है और दूसरी साइड के जो मोती हैं वो थोड़े छोटे हैं, या ये तो यार राइमिंग वर्ड हो गया, मोटी छोटी। तो गाइस कोई नहीं, वो तो छोड़ो। देखो अब ये वाले जो है ना ये ऐसे आ रहा है, तो आप लोग को अब सही ढंग से नज़र आ रहा होगा कि ये मोती जो है वो ऐसे हैं और फिर ये ऐसे ओढ़ा हुआ है मम्मी ने।
तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ये जो कर्व्स हैं, जो मतलब कि सिलवटें आ जाती है ना हमारे कपड़ों में, अगर हम लोग उनको मतलब कि ओढ़ते हैं या तो फिर पहनते हैं, तो वही टाइप की उसकी बना रहा हूँ। और फिर उसके बाद अभी शेडिंग कर देता हूँ थोड़ी सी। सो गाइस अब कितना बढ़िया लग रहा है ना ये, मतलब कि जो ये चुन्नी सी है वो कितनी बढ़िया लग रही है। लेकिन गाइस अभी भी एक काम बाकी है कि जो इसका नीचे वाला पोर्शन है ना वो थोड़ा सा डार्क है, यानी कि वो थोड़ा सा ज़्यादा रेडिश है, लेकिन मैं शेडिंग कर रहा हूँ तो इसलिए अब मैं रेड कलर तो यूज़ कर नहीं सकता, इसलिए मैंने क्या करा कि थोड़ा सा उस वाले पोर्शन को थोड़ा डार्क कर दिया। दोस्तों देखा दोस्तों, अब आप लोग को सही ढंग से थोड़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसलिए अब मैं पहले इसकी ब्लेंडिंग कर देता हूँ। दोस्तों ब्लेंडिंग से क्या होता है कि ये एकदम ही स्मूथ हो जाता है और एक सरफेस में ऐसा नज़र आता है। हाँ, अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ना, एकदम ज़बरदस्त टाइप का ये स्केच लग रहा है। तो गाइस अब मैं क्या काम करूँगा, अब देखते हैं क्या काम करें। हाँ यार, ये वाला पोर्शन तो मेरा रह ही गया था यार, राइट साइड वाला, राइट साइड वाले को पहले कवर कर देता हूँ। ये राइट साइड वाले जो हाथ के ऊपर वाला है ना, वो वाला पहले कवर कर देता हूँ दोस्तों। हाँ अब सही सा लग रहा है ये वाला भी, नहीं तो फिर ये वाला तो ऐसा लग रहा था ये वाला मैंने करा ही नहीं है। और ये साइड वाला भी अभी बाकी है दोस्तों, ये देखो ये वाला भी थोड़ा डार्क है, ये वाला जो है ना ये डार्क रेड है, और यहाँ पर भी थोड़े से कर्व्स आ रहे हैं, तो उधर भी मैं थोड़ी सी शेडो से आपको दिखा देता हूँ। अब ये वाला पार्ट मैं कवर कर देता हूँ जो हमारे नेक के पास है वहाँ पर वाला। हाँ अब देखा दोस्तों कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो गाइस अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ, और डार्क करने के बाद तो यार एकदम ही झक्कास टाइप का लग रहा है यार, एकदम कर्व जो है ना इसकी एकदम पता चल रही है कि हाँ भाई यहाँ पर इसकी कर्व है, यहाँ पर से थोड़ा सा ये मुड़ा हुआ है, यहाँ पर से उठा हुआ है, तो एकदम ज़बरदस्त लग रहा है यार। तो गाइस अब मैं क्या काम करूँगा, अब मैं ले लेता हूँ ये हमारा जो वाइट पेन है ना, वाइट पेन आता है ये वाला, कौन सा कंपनी का है ये, यूनिबॉल कंपनी का है। ओ सॉरी, उल्टा पकड़ा हुआ है मैंने, ये जो है ना ये यूनिबॉल कंपनी का है दोस्तों। वैसे तो आप लोगों को किसी भी कंपनी का मिल जाएगा जो ये है ना वाइट कलर, जैसे वाइटनर नहीं होता हमारे दोस्तों, बस ये वैसे ही काम होता है, लेकिन बस ये पेन की तरह यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसको। वाइटनर में हम लोग लिख नहीं सकते इतने अच्छी तरीके से, लेकिन इससे हम लोग लिख सकते हैं। तो गाइस इससे मैं क्या काम करूँगा, जो इसके ऊपर जो बीड्स हैं, यानी कि जो मोती हैं, जो ये चुंदड़ी के ऊपर जो मोती बना रखे हैं ना, उसके लिए मैं ये अपनी वाइट पेन का यूज़ करूँगा दोस्तों। तो गाइस मैंने राइट साइड के तो थोड़ा काम कर दिया है, लेकिन अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, जो नेक के पास है और फिर जो हमारा ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है ना, वो वाला मैं इससे कर दूंगा दोस्तों। तो गाइस उसमें तो टाइम लगा था, इसलिए मैंने दोस्तों वो वाला अभी कवर कर दिया। तो गाइस देखो यार क्या ज़बरदस्त लग रहा है, अरे वाह यार देखो, ओ हो, क्या ज़बरदस्त एकदम। देखा गाइस, मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ यार दोस्तों, वाह यार कितनी मस्त डिटेलिंग हुई है ना दोस्तों। मेरे को यार ये डिटेलिंग वाला पार्ट एकदम ही ज़बरदस्त लगा, मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं इतना अच्छा काम कर दूंगा, लेकिन एकदम ही ज़बरदस्त लगा। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड के ऊपर भी काम कर देते हैं, नहीं तो यार ये थोड़ा अजीब सा लग रहा था एकदम खाली खाली। तो यार एकदम ही मैं पहले हल्की सी अपनी पेंसिल ले लूँगा, उसके ऊपर से ऐसे इसके ऊपर लाइनिंग सी कर दूंगा थोड़ी शेडिंग टाइप की। अब मैं अपनी कॉटन बर्ड ले लूँगा, ये वाली तो है ना दोस्तों, ये वाली मैंने कई बार यूज़ कर रखी है, तो इसके ऊपर पहले से थोड़ा ग्रेफाइट लगा हुआ है, तो इससे क्या है हमें आसानी हो जाएगी थोड़ा सा डार्क करने के लिए। देखा गाइस एकदम ही मस्त तरीके से डार्क हो गया ना दोस्तों, क्या ज़बरदस्त लग रहा है यार, एकदम मज़ा सा आ गया यार दोस्तों। सो गाइस अब मैं क्या काम करूँगा, इसकी जो बॉर्डर है वो बना देता हूँ यार, क्योंकि यार ये थोड़ा सा बाहर निकल गया था, तो पहले मैं इसको कट कर देता हूँ, फिर उसके बाद इसको मैं दूसरे वाइट पेज पे चिपकाऊंगा। यार दोस्तों देखो ये रहा ना, मैंने दूसरी वाइट शीट एक और ले ली थी, अब इसके ऊपर मैं इसको चिपकाऊंगा तो इसकी बॉर्डर अपने आप ही बन गई दोस्तों। देखो यार क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना, अब फिनिशिंग वाला काम लग रहा है। अब मैं इसको फेविकोल से चिपका देता हूँ, ऐसे इसको फेंकोगे ना तो फेविकोल से चिपक जाता है दोस्तों। देखा दोस्तों मेरा जादू। तो गाइस मैं यार क्या ज़बरदस्त कैच बनाए हैं, वाह यार एकदम, मैं सच बताऊँ यार मेरे को ये मेरा बेस्ट स्केच लग रहा है अभी तक का, कि मैंने ये इतनी ज़्यादा डिटेलिंग वाला जो काम करा है ना वो मैंने अभी करा है। और फिर ये जो बीड्स वाला पोर्शन था ना, इसमें तो यार मज़ा सा आ गया था, वैसे काम करने में मज़ा आ रहा था, लेकिन डिटेलिंग बहुत ज़्यादा थी यार। तो गाइस ये वाला स्केच तो यार एकदम ही ज़बरदस्त लग रहा है यार। सो गाइस मम्मी को तो ये वाला स्केच एकदम ही जबरदस्त लगा दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना दोस्तों। और गाइस जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो तो यार एकदम ही जबरदस्त लोग हैं दोस्तों, जिन लोगों ने नहीं कर रखा वो लोग भी जबरदस्त बन जाएंगे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो यार जल्दी से सब्सक्राइब पटा लो यार। सो गाइस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।